तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जब मैं एमएक्स प्लेयर पर मूवी देख रहा था यानी कि पिक्चर देख रहा था, तब दोस्तों मुझे दिस ऑडियो फॉर्मेट EAC3 इज़ नॉट सपोर्टेड ऐसा प्रॉब्लम शो हो रहा था। यानी कि जो मूवी यानी कि जो वेब सीरीज है उसका जो साउंड था वो म्यूट था, यानी कि आवाज़ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, आपके साथ भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम शो हो चुका होगा। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम पास न करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना है, जो MS प्लेयर की जो कोडेक फाइल है वो आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों, जो कोडेक फाइल है उसकी जो लिंक है वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। तो दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर लिखा होगा जिप फाइल लिंक और आगे लिखा होगा यहां क्लिक करें। तो दोस्तों, जो यहां क्लिक करें लिखा हुआ है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद अब आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो MX प्लेयर की जो जिप फाइल है उसे आपको डाउनलोड कर लेनी है। जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपली क्या कर लेना है, हमारा जो MX प्लेयर है वो ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, MX प्लेयर ओपन करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको सिंपली क्या कर लेना है, राइट साइड में ऊपर आपको जो अपना जो लोगो दिख रहा है यानी कि जो अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। उस पर सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत ही ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको जो सेटिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके स्क्रीन पर यहाँ पर बहुत ही ऑप्शन दिख जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या कर लेना है, जो डीकोडर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। डीकोडर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक कस्टम कोडेक का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको सिंपली उस कस्टम कोडेक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कस्टम कोडेक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहले हमने जो जिप फाइल डाउनलोड की थी वो यहाँ से आपको देख लेनी है और देखने के बाद उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो MX प्लेयर की जो जिप फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों, अब आपको सिंपली उस MX प्लेयर की जो जिप फाइल दिख रही है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो MX प्लेयर है वो रीलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, MX प्लेयर रीलोड होने के बाद फिर आपको दोबारा MX प्लेयर ऐप ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद पहले जो हमारा वीडियो का जो आवाज़ म्यूट था वो जो आवाज़ है वो यहाँ पर प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे हम जो MX प्लेयर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।